हाउ इज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल इन रहेजा कॉलेज? अच्छा, कॉलेज की फीस कितनी है साल की? सो गाइज, इफ यू आर टेकिंग एडमिशन थिंकिंग ऑफ आईवी कहाँ जाने वाला है, मसूरी, ऋषिकेश, अच्छा हाउ इज द मैनेजमेंट एंड एडमिन हियर? ओवरऑल अगर 3 साल के एक्सपीरियंस में देखा जाए ना, तो फैकल्टी तो एकदम टॉप नॉच फैकल्टी है, ये बहुत खुश है यहाँ से, बहुत इतनी खुशी है मुझे. No complaints with the faculty, right? So we can give like, just love our faculties. Faculties will be happy. I'm sure they'll watch this video. So they'll be like, they'll be proud of it ki my kids are happy. Teachers bhi humse interact karte hain, students bhi. What two very. So guys, jo ye top 5 mein hai, it's on the right place, I believe. Hi guys, so today I'll be giving a review about LS Raheja College, jo ki top 5 mein aata hai. And I have PMM students with me. You have been seeing this review, jo ki maine aapko khud hi bataya. But now, as I can go offline to the colleges, I'll ask the students themselves ki unka experience kaisa raha hai कॉलेज में इन टर्म्स ऑफ फैकल्टीज फैसिलिटीज. सो आई होप दे विल बी ऑनेस्ट विदाउट एनी फ्यूअर, बिकॉज सी इट इज ऑल अबाउट, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपके कॉलेज मैनेजमेंट भी इंप्रूव करेगा. यार अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट, लाइक मेरे में भी कुछ 20% इधर उधर हो सकता है कि और अच्छे वीडियोज बन सकते हैं. सो लेट्स बी ऑनेस्ट सो दैट जब बच्चे डिसीजन लेंगे, जैसे आप लोगों ने लिया, एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस. सो गाइस, स्टार्टिंग विद, हाउ इज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल इन रहेजा कॉलेज? ओवरऑल इट्स क्वाइट गुड. It's quite good. Yeah. Same. Same. किसी को कुछ add on? बोल. Overall. TY. Yes. TY. Third year. Overall अगर 3 साल के experience में देखा जाए ना, मेरा 1 साल online में गया और उसका half offline में, तो वो comparatively तब थोड़ा सा ऐसे online में ये हुआ था, मतलब communication के लिए, but offline में जो पूरा एक क्लियर कम्युनिकेशन हुआ ना फैकल्टीज और स्टूडेंट्स के बीच में, वो बहुत बेस्ट था, क्योंकि फैकल्टीज जो है ना यहाँ की, वो बहुत कंफर्टिंग है, मतलब आपको एक एज अ स्टूडेंट ना बहुत कंफर्टिंग फील कराती है, तो फैकल्टी तो एकदम टॉप नॉच फैकल्टीज आती है. सो दैट्स द प्लस पॉइंट दैट दे हैव अमेजिंग फैकल्टीज. ऑल ऑफ यू एग्री विद दैट? नो कंप्लेंट्स विद द फैकल्टी, राइट? सो वी कैन गिव लाइक, जस्ट लव आवर फैकल्टीज. Faculties will be happy. I am sure they'll watch this video. They'll be like, they'll be proud of it ki my kids are happy. उन्होंने वैसा bond ही create किया हमारे बीच. That's वो एक transparency है कि वो भी share करते हैं, हम भी share करते हैं. Understanding level. It's a two-way thing for us. ऐसा नहीं है कि students बोलते हैं और teachers कुछ नहीं. तो teachers भी हमसे interact करते हैं, students भी. What two-way. So guys, जो ये top 5 में है, it's on the right place, I believe. Talking about, see, education quality तो यहाँ पे अच्छा है. So no doubt. What about internships and all? Practical learning कितना है? तुम लोगों को क्या लगता है? जो हमारे assignments होते हैं ना, अभी 75 तो theory तो वो syllabus में ही आ जाता है. जो असाइनमेंट होते हैं ना, वो बहुत प्रैक्टिकल्स होते हैं. तो वो एक सो देयर इज प्रैक्टिकल लर्निंग. सो बीएमएम में यू गाइस आर एक्सपीरियंसिंग कि कुछ सीखने मिल रहा है नया? यस. क्योंकि सी मास मीडिया, एज आई हैव बीन टेलिंग इन माय वीडियोस, भाई पढ़ के सिर्फ कुछ नहीं होगा, यू गाइस हैव टू इंटर्नशिप्स देते हैं. डू यू गेट इंटर्नशिप? ये फर्स्ट ईयर ग्रुप में आता है ना, एटलीस्ट यू गाइस शेयर करते हैं, आपके सीनियर शेयर करते हैं, मेजरली जो हमारे ऑफिशियल ग्रुप होते हैं ना, उसमें भी कॉलेज की तरफ से आता है, कोऑर्डिनेटर भी भेजते हैं कि अभी इंटर्नशिप चल रहा है, सो हम एनरोल कर सकते हैं उस पे, तो वो एक आता है कभी कभी. कोर्सेज भी बहुत ज्यादा आते हैं. ओके, सो यू कैन डू एड ऑन कोर्सेज. ओके, सो आर यू हैप्पी विद दैट सजेशन दैट कॉलेज गिव्स यू? कॉलेज में भी एड ऑन कोर्सेज होते हैं जो हमारी फीस में इंक्लूड होते हैं. हां, दैट्स नाइस. दो कोर्सेज हो चुके हैं. सो कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? Guys, you can. डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हुआ और एक ग्राफिक डिजाइनिंग. इट्स हेल्पफुल, राइट? हाँ, इट्स हेल्पफुल. फॉर मीडिया स्टूडेंट्स डेफिनेटली आई थिंक इट कम्स हैंडी कि आप इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं. एफवाई में क्राइसिस मैनेजमेंट और उसके भी कोर्सेज. बॉडी लैंग्वेज. हाँ, बॉडी लैंग्वेज. दैट्स वेरी नाइस. पब्लिक स्पीकिंग मैनेजमेंट. सो आई थिंक एवरीथिंग इज कमिंग पॉजिटिव. कोई ज्यादा फीस भी नहीं एक्स्ट्रा की, कोई एक्स्ट्रा चार्ज. अच्छा, कॉलेज की फीस कितनी है साल की? अच्छी है, मतलब कॉलेज की डिसेंट है. डिसेंट कितनी है? फीस कितनी है? 65,000 के अराउंड 3 इयर्स हो गए मेरे. 65 हमारी FY में बढ़ गई इनकी थोड़ी सी. सो आई थिंक वी कैन से विद इन अ लैक आपका हो जाता है. सो फीस इज क्वाइट अफोर्डेबल विद योर एडिशनल कोर्सेज. नाउ कमिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कितना कितना रेटिंग दोगे 100% में से? कितना मेरे हिसाब से ना, मैंने जो देखा है, मेरे को लगा था इतना अच्छा नहीं होगा, बट बहुत अच्छा लगा है मुझे. लाइक 100 आउट ऑफ हाउ मेनी परसेंट? अगर मैं देखूंगा तो 80, 85, 80. Fair enough. Yeah.
All of you guys agree? 90% क्योंकि AC classroom. ये बहुत खुश है यहाँ से. हाँ. बहुत खुश है. T.Y. 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 पता है T.Y. आगे तक जा रहा हूँ ना मैं भी. तो याद आएगी. Emotion. So 80% उसने बोला. Anyone? इतना बड़ा नहीं है college जितने बाकी के होते. हाँ, because you know we'll show them the campus also. तो campus एक tour करेंगे. I think we'll do before going. बट ना यही प्रॉब्लम है कि रहीजा को बाहर से देख के ना चलते मैम ये क्या है तो सिर्फ बिल्डिंग है ऐसा फील हुआ था. बट सी मुंबई में प्रॉपर्टी रेट ज्यादा है भाई तो थोड़ा सा बट उतना भी शॉर्ट नहीं मतलब बट अंदर से बहुत है ये ऑडियो विजुअल रूम है तो इसमें मोस्ट ऑफ जो प्रैक्टिकल लेक्चर्स होते हैं ना यहीं पे होते हैं हमारे यहां पे टीवी है साउंड्स है एसी भी है रूम्स है आई गेट द मैसेजेस लाइक मैम क्लासरूम में एसी नहीं है सी गाइस आई कांट डू मच अबाउट इट प्लस एसी है कभी कम भी हो जाएगा ना एक दादा कंप्लेंट एसी सॉल्व तो कॉलेज सुनता है. अच्छा हाउ इज द मैनेजमेंट एंड एडमिन हियर इन कॉलेज. इट्स गुड. गर्ल्स वॉशरूम अच्छा है मैंने पहली बार मतलब गर्ल्स वॉशरूम सुना रिव्यू में. तो मतलब इंफ्रा है आई थिंक विद द फीस ऑफ 30,000 इट इज गुड. ओके सो आई थिंक एवरीथिंग इज पॉजिटिव. लेट्स टॉक अबाउट जो भी कमियां हैं बिकॉज वी ऑलवेज से यार कुछ चीजें हैं जो इम्प्रूव हो सकती है 100% परफेक्ट कुछ नहीं होता. सो व्हाट यू थिंक की कैन बी इम्प्रूव्ड. थोड़ा सा और प्रैक्टिकल वर्क इंटरेस्ट जैसे अगर एक सब्जेक्ट चॉइस मिल गया तो थोड़ा सा वो मे बी दैट आई थिंक द एचओडी सेड कि ऑटोनॉमस होने से हो जाएगा. सो तेरे जाने के बाद होगा. हां बट नाउ इट्स लाइक मेरे जूनियर्स के लिए हो जाएगा. ओके सो व्हाट एल्स अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट व्हाट एल्स व्हाट आई टोल्ड ऑलरेडी कि क्लब्स होने चाहिए जैसे कि हमने रिसेंटली फ्रेम फेबल्स हमारा फिल्म क्लब है जो हमने चालू किया है अभी वो ग्रो. तुम लोग आईवी जाते हैं? बेस्ट आईवी होता है. बेस्ट होता है आईवी. आईवी का बेस्ट होता है. बहुत अच्छा जाने वाले हैं. वेरी वेल आर गोइंग ऋषिकेश. आईवी के नाम पे ऋषिकेश. नाइस. व्हिच इज ऑब्वियसली वेरी गुड प्लेसेस आर देयर. सो गाइस इफ यू आर टेकिंग एडमिशन थिंकिंग ऑफ आईवी कहां जाने वाला है तो आई थिंक यू ऑलरेडी हर्ड मसूरी ऋषिकेश. हां केरला गया था. सो बहुत अलग-अलग स्टेट्स अलग-अलग. दैट्स नाइस. सो एज यू वर सेइंग इफ द मैनेजमेंट इज वाचिंग क्लब्स बना दो यार बच्चों के लिए जिनको एक्टिंग में जाना है जिनको डांस. बट आई थिंक यू गाइस कैन डू इट राइट. अभी तुम्हारे पास टाइम है एक साल. You guys should start with it. And if you need media mentor ka support, please tell me. So people do participate and all. We'll give you, कि ये जो clubs वाला इसमें बना, वो है नहीं, but तुम्हें बनाना होगा. तो वो support है कि हाँ तुम चालू कर सकते. That's nice. I mean, see now अभी COVID के बाद things are coming back into normal and you know lot of things are happening. So I think you guys have chance. FY especially, तुम लोगों को करना चाहिए. खराब dance करो but करो. I'm saying करो. टैलेंट है सीखेंगे. टैलेंट बहुत है. टैलेंट तो है. मीडिया लोग है जिसमें आर्टिकल्स न्यूज़ आर्टिकल डिजाइनिंग कंटेंट वो सब होता है. तो वो भी एक हमारा एफवाई जो था पास्ट में उन्होंने इनिशिएटिव लिया वो भी चल रहा है. हमारे कॉलेज का न्यूज़लेटर आता है या फ्यूचर में इनिशिएटिव. दैट्स नाइस. कंटेंट राइटिंग के लिए मीडिया लॉ अच्छा है कोई सब. सो आई थिंक अलग न्यूज़लेटर आता है बट हमारा बीएमएम का मीडिया लॉ अलग से है जो हम पूरा एफ वाइज और एस वाइज मिलके संभालते हैं. एंड एस वाइज हमें गाइड. आई थिंक ये बार ज्यादा एडमिशन एप्लीकेशंस आएंगे तुमको बिकॉज आई थिंक दिस इज द फर्स्ट कॉलेज दैट आई एम लुकिंग एट स्टूडेंट्स हु आर कंटेंट एंड वेरी हैप्पी. दिस इज व्हाट आई गॉट द रिव्यू 2 years बैक एज वेल. स्टूडेंट्स आर लाइक मैम नो मैटर व्हाट वी आर हैप्पी हियर. कुछ कमियां हैं बट दैट इज मैनेजेबल. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. बट दे आर सपोर्टिंग एट द एंड. मतलब कुछ भी होगा अगर कुछ करना है ना तो वो लोग कभी ना नहीं बोलते. वो लोग बोलते कि तुम करो हम हैं. ओके सो प्रिंसिपल भी बहुत सपोर्टिंग है इसके लिए. जैसे हमने 2 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया कि हम इंट्रा कॉलेज फेस्ट चालू करेंगे. ही एग्री. मीडिया चालू किया जबकि बाकी डिपार्टमेंट को मीडिया में क्या होता है वो एक्सपीरियंस करने मिलेगा. तो उसमें भी प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर बहुत सपोर्टिंग थे. तो वो भी एक इनिशिएटिव अभी 2 साल से चालू हुआ है. That's वो nice. He was the CP. इसलिए उसने मेंशन किया है वो. I'm like कि this was the thing. No, so that's what I'm saying, guys. It's very important for a college. I mean, to fulfill what students are looking for. Obviously, college is also growing. You guys will contribute to the growth. और सब कॉलेज ऐसे ही आगे हैं. Last question is on minority. So, what do you think about minority? He's the only one here. Gujarati minority. It was good. Like मेरे को अभी कितने परसेंट मिले थे? 65 and I was in the first list. Oh, final.
माइनॉरिटी फाइव में तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, ड्रॉप लेना पड़ेगा, आई डोंट नो. बट मेरा जब सबसे पहला, मेरे को ऐसा था कि सबसे पहला कॉलेज रह जाया था माइनॉरिटी, और मैंने बोला कहीं नहीं वेट करना, डायरेक्ट जाके ले ले. अरे वेरी नाइस माइनॉरिटी. मैंने देखे भी थे वीडियो जो कि बहुत हेल्पिंग थे मेरे लिए रहेजा, क्योंकि मैंने सुना था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फैकल्टी अच्छे, लोग अच्छे, और मैं अभी एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ वही सेम. सो नाइस. 50-50 दैट इज देयर ओनली, वो हर जगह है कि 50 है, बट हाउ मच यू गाइस स्कोर, बिकॉज ये सबसे पहले पूछेंगे कि भाई कट ऑफ बता, तुमने भी पूछा था मेरे को, थोड़े से कट ऑफ नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, मेरे को भी सेकंड लिस्ट में मिल गया था. कितना परसेंट पे? 82 पे. हां सो मिल जाएगा 80. तो तुम लोग कितने परसेंट एवरेज? 78 पे. सो आई कैन से इफ दे स्कोर अबाउट 70, हाई प्रोबेबिलिटी. और हमारे क्लास में ऐसे जो माइनॉरिटी में आते जिनको 60 है 65 है तो भी मिल गया, तो वो कैंसिलेशंस के बाद थर्ड फोर्थ लिस्ट में मैनेजमेंट कोटा. सो कैसी 70 अबव स्कोर करो, रहेजा में मिलने के अच्छे खासे चांसेस हैं. सो ओवरऑल रिव्यू इज ग्रेट गाइस ऑफ टॉप 5 में, एक बार हो सकता है 4 पे आ जाए इफ द अदर कॉलेजेस आर, बट रहेजा इज डूइंग ग्रेट एंड कांग्रेचुलेशंस टू द फैकल्टीज एंड द मैनेजमेंट दैट स्टूडेंट्स आर रियली हैप्पी हियर, स्पेशली द बीएमएम डिपार्टमेंट. पीएमएस आई विल स्पीक लेटर. थैंक यू गाइस, आई होप द वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट ऑफ सच इन्फॉर्मेटिव रिव्यूज ऑन मीडिया मेंटर. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.